गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं गौड़। देखिए, ये मेरी बहन है और इसी को छोड़ने जा रहे हैं गौड़, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, बहुत नौटंकी है। तो मिलते हैं बाइक के साथ, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि ठंड बहुत यहाँ से ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं बाइक पर आ गया हूँ, इस पगली को लेकर छोड़ने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। तो देखिए यहाँ का रोड कैसा है, इतना पथरीला वाला रोड है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो नेपाल सरकार, अभी जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं अभी नेपाल में हूँ, तो नेपाल में ऐसा ही रोड मिलेगा। देखिए जैसा पथरीला रोड है, अभी तक खेत का नज़ारा तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो पथरीला रोड छूट के अब आ गया है डांबर वाला पिचिंग रोड, देखते हैं कहां तक मिलता है ये रोड। पहले रास्ते पर पड़ता है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। देखते हैं यहां पे पेट्रोल पंप पे रेट कितना है पेट्रोल। ये नेपाल है तो नेपाली रेट लेगा, पर क्या लेगा कैसा लगा वो तो पता नहीं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को निकले हुए अभी 10 मिनट से ऊपर हो गया है, तो बाइक चला चला के हालत खराब हो गया 10 मिनट में, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है। मैं क्या बताऊँ, देख सकते हैं कि मैंने कितना कपड़ा पहन रखा है अपने शरीर में। तो दोस्तों, इधर का नज़ारा है कि ये अच्छा लगता है कि गाँव में जो खेती है ना, वो गजब की होती है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरा सामने इधर एक चिमनी है, और चिमनी नहीं कह सकते, चीनी मिल है ये, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसका भी विजिट आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन अभी तो गौड़ के लिए निकले तो अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि अभी ये चालू है, चीनी बनना स्टार्ट है इसमें। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। आयो, हमने पेट्रोल डलवा लिया है पूरे 500 नेपाली का, ठीक है। तो 500 का होता है लगभग इंडिया में 300 रुपया, तो यहाँ पे दिया है 500 का 3.6 कोड़ी, यानी गाइस, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सरसों का खेत है, और ये देखिए कितना मतलब कि मस्त देखने में लग रहा है। तो दिल तो ये कर रहा है कि इसमें जाकर फोटो खिंचाऊं, पर क्या करूं, दूसरे का खेत है तो नहीं जा सकते अभी। और जैसा कि आप उधर देख सकते हैं कि एक क्रॉसर है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉसर है, और इसमें जो गुड़ होता है, गुड़ जिसे हमारे इधर बोलते हैं मीठा, वो बनाया जाता है। ये भी गन्ने से बनता है, और जो पीछे आप देख रहे हैं, जो मैंने उधर से भी दिखाया था चीनी मिल, उसमें शक्कर बनता है, तो वो भी गन्ने से ही बनता है। सिसौट में, जो यहाँ से गौड़ लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे अभी भी है, तो पहले इसे पार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे
रोड का क्या हालत बना के रखा है ये ट्रैक्टर वालों ने। हाँ, ये सब ट्रैक्टर से ही होता है, दूसरा कोई भी गाड़ी से ऐसा नहीं हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ पे, नेपाल में। यही एक फायदा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रोड देखने को मिल जाती है जो कि इंडिया में कहीं नहीं है। हाँ, इंडिया में भी है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन इससे तो बेटर ही है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नेपाल का रोड ख़राब है, नेपाल की जो नेता लोग हैं ना वो खराब है। बजट आता है इतना पर सब खा जाते हैं। आ गए हम अब नदी में। इस नदी का नाम है बागमती, बागमती नदी, जो नेपाल के काठमांडू से बहती है और इंडिया में पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो अभी इसी नदी में आ गए हैं। तो इस नदी का लंबाई तो पता नहीं, लेकिन जिस मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस साइड से, मतलब कि इस छोर से उस छोर जाने में कम से कम 3 किलोमीटर लगती है यहाँ से। तो देखिए हमारे पीछे एक जो पुल है, पुल बहुत दिनों से बन रही है, बहुत दिनों मतलब कम से कम 5 से 7 साल से, लेकिन कब बन के रेडी होगी वो पता नहीं। देखिए इधर भी एक पाया है, देख ही सकते हैं। तो अभी मुझे पुल, ये पीछे जो बांस का लचका है, जिसे लचका बोलते हैं, बांस का पुल है जो बम्बू काट काट के बनाया जाता है, तो ऐसा मुझे 3 पार करना पड़ेगा। तो अभी पहले भी हूँ, तीनों पार करके बात करते हैं आपसे। देखा आपने कि हमारा बाइक फंस गया था इस रेत में। देखिए ब्लॉगिंग मैन कैसे गाड़ी ठेल कर आ रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बाइक ठेलना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं ठेलते ठेलते, पेट्रोल भी है, गाड़ी भी सही है, फिर भी ठेलना पड़ रहा है। फाइनली हमने ये नदी को क्रॉस कर लिया है, और नदी क्रॉस करने में मुझे लगभग आधा घंटा से भी ऊपर का समय लगा है, क्योंकि नदी में रेत है, रेत में बार बार गाड़ी फंस जा रही थी, तो निकालने में बहुत मशक्कत करना पड़ा है। लेकिन आप लोगों को नदी ढंग से दिख नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पे धुंध लगा हुआ है, क्योंकि आज पूरे दिन धूप उगा ही नहीं, मतलब सूर्य भगवान निकला ही नहीं है आज। तो बने रहिए, पहुँचने वाला है गौड़ अभी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर के आसपास में अभी भी है। और आज तो आए हैं, कल से आपको दिखाएंगे गौर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या देखने लायक है, क्या खाने लायक है, सब दिखाएंगे। तो बने रहिएगा और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।